चैप्टर नंबर 9 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर्मड फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से जो एक्सप्रेशन बनते हैं उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। कनेक्टेड बाय बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं? जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मिसाल एग्जांपल है, अगर हमारे पास है 4x + 5, यहां पर कांस्टेंट 4 है, 5 है और वेरिएबल है x है, कनेक्टेड बाय यहां तो एडिशन है और यहां ये किससे कनेक्टेड है? मल्टीप्लिकेशन से। दिस कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब दूसरी 3x² + 4x - 3, यह भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां पर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद है टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स। अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें पता नहीं इसमें से कितने टर्म्स हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 8 है। मिसाल अगर मेरे पास है 4x - 3, 4x माइनस, यहां पर कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एक तो ये है सब्ट्रैक्शन और ये है 4 और x, ये किससे कनेक्टेड है? मल्टीप्लीकेशन से, 4 × x है ये। ठीक है, इन्हें दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। मगर जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी बार है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यहां पर सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये एक ही टर्म आएगी। ठीक है, इसी तरह अगर डिविजन में कोई होगा, जैसे x / 3 - 4, ये x और 3 डिवीजन में है, यानी 3 x / 3 - 4, यहां पर माइनस एक बार है, इसे ये एक टर्म, ये एक टर्म, डिवीजन से अलग टर्म नहीं बनती, ना ही मल्टीप्लीकेशन से अलग टर्म बनती है। यहां पर 2 टर्म्स है। ठीक है, यहां पर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। इसी तरह से 5y² + 3y - 2, देखो ये मल्टीप्लीकेशन यानी एक ही टर्म आएगी, मल्टीप्लीकेशन एक ही टर्म, एक टर्म प्लस और माइनस कितने, 1, 2, 3, कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स। ठीक है, अगर हमारे पास है x, इसे कितने टर्म्स है? सिर्फ एक ही टर्म, 1 टर्म। ठीक है, अच्छा अगर हमारे पास 5y, यहां पर 5 है, y भी है, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए ये एक ही टर्म आएगी। ठीक है, ये 1 टर्म। एक और है y + 7, यहां पर y अलग है और ये प्लस है, ये प्लस है, माइनस है, अलग हो जाते हैं, ये एक टर्म, ये एक टर्म, अब कितनी टर्म? 2 टर्म। ठीक है, यहां तक तो आसान था। इसके बाद है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हम देखते हैं, जो भी वेरिएबल होता है, जो ये फर्स्ट पार्ट था, यहां पर वेरिएबल क्या था? x, कोएफिशिएंट वो टर्म होते हैं जो वेरिएबल को मल्टीपल या डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिसाल यहां x के मल्टीपल में क्या है? 4, 4 इज वेरिएबल, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x, 4x का
थ्री क्या है फिर? थ्री है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स अनचेंज टर्म, ठीक है, जो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। जो वेरिएबल के मल्टीपल में होगा या उसके डिवीजन में होगा वो क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट। मिसाल दूसरी टर्म है एक्स बाय थ्री, या जो वेरिएबल है एक्स, इसके डिवीजन में क्या है? वन बाय थ्री, वन बाय थ्री इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट है वन अपन थ्री, ठीक है। तीसरी टर्म है फाइव वाई स्क्वायर वाई, जो फाइव है ये किसका कोएफिशिएंट है? फाइव इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई थ्री इज कोएफिशिएंट ऑफ, थ्री इज कोएफिशिएंट ऑफ थ्री वाई का कोएफिशिएंट है, ठीक है। जो माइनस टू है ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहां पर ये एक ही टर्म है, इसके मल्टीपल में क्या है? वन, तो वन इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट वन है। इसी तरह से यहां पर वेरिएबल है फाइव वाई, यानी वाई है वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट है फाइव, ठीक है। तो कोएफिशिएंट होता है जो भी टर्म हम मल्टीपल करते हैं या डिवाइड करते हैं किसको? वेरिएबल को, वो उसका कोएफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद है नंबर ऑफ टर्म्स के बाद है मोनोमियल। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे 4x, ये एक ही टर्म है, इस गॉट मोनोमियल। 7y, 5 अपॉन 7z, ये सब एक ही टर्म्स है, ठीक है, ये मल्टीपल ये डिवीजन है, ये सिर्फ एक ही टर्म बनेगी। बाइनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं? दो टर्म, 3z माइनस 7, ये तो एक टर्म, एक टर्म 5 बाई 6 y प्लस 3, ठीक है, 5x माइनस 4, इसमें भी दो टर्म्स, दो टर्म, दो टर्म। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होते हैं? दो टर्म। इसी तरह से ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, 7 बाई 5 वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 वाई माइनस 7, कुछ भी है, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। इन जनरल हम पॉलिनोमियल, इन जनरल एन एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होते हैं, कंटेनिंग वन आर मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट, विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट, विद नॉन जीरो विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या है? विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट विद, दैट इज विद वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, दैट इज वेरिएबल्स हैविंग नॉन नेगेटिव, वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है नॉन नेगेटिव, ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब ये मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल इन जनरल है। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें एक टर्म या एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं। अब ये पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप्स हैं, जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल ही है। यह स्पेशल टाइप पॉलिनोमियल होता है जिसमें वो पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म, उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होते हैं उसे हम बाइनोमियल, इसी तरह से जिस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। इसके बाद लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? तमाम वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें सेम वेरिएबल होता है या एक या दो, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। मिसाल
क्वेश्चन डी इज 5/7x एंड इसके साथ लाइक कौन आएगी 4x। ये देखना है यहां पर भी वेरिएबल x है, यहां पर भी वेरिएबल x है, तो ये लाइक टर्म हो जाए। ठीक है, इसी तरह से 4xy एंड 5/2xy, ये क्वेश्चन नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है वेरिएबल, यहां पर xy है, यहां पर भी xy है, इसका मतलब लाइक टर्म्स है। ठीक है, इसी तरह से अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म इसका अपोजिट है, अगर 5y है एंड y स्क्वायर, देखो यहां पर y है, यहां पर y स्क्वायर है, ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये अनलाइक टर्म्स है। इसी तरह से 3xy एंड 4x, यहां पर x y है वेरिएबल, यहां पर सिर्फ x है, तो लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है। ठीक है,